आउटस्टैंडिंग. आउटस्टैंडिंग इसलिए क्योंकि जो एनर्जी थी, जो फिटनेस लेवल थी, और मार्शल आर्ट्स के साथ साथ डांस और यू नो ब्राज़ीलियन कल्चर जो इनकॉर्पोरेट होता है, आई थिंक इट्स अनबिलीवेबल. और दिखने के लिए इतना स्मूथ है तो हमें मज़ा ज़रूर आता है, लेकिन आई नो कि कितनी डिफ़िकल्ट होगी एक एक शॉट करने, एक एक मूव करने, या जो जो फ्लिप्स कर रहे थे लोग, आई थिंक अनबिलीवेबल. बिगनिंग में ऑफकोर्स शुरुआत बिगनर्स से हुई तो एक अंदाज़ा लगा कि कैसा होता है, यू नो हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़. और जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, आई थिंक रियली रियली वेरी वेरी गुड. मेरी ज़िंदगी में अगर मैंने कुछ हासिल किया है तो वो सिर्फ मार्शल आर्ट्स की वजह से है, लेकिन आई थिंक दिस इज़ अ स्पोर्ट दैट इज़ 10 notches हायर. लोगों के साथ रिदम के साथ साथ मेंटल फिजिकल, आई थिंक इट बैलेंसेज ऑफ एवरीथिंग. और खुश हूँ आज की यू नो आई गॉट अ चांस टू कम एंड वॉच द परफॉर्मेंस एंड आई वॉज एब्सोल्युटली ब्लोन बाय द स्टैंडर्ड एंड द क्वालिटी ऑफ यू नो द स्टूडेंट्स. फैंटास्टिक. आई थिंक I only wanted to pass. My obsession was sport. My obsession was cricket, representing the school in any and every sport possible. My only dream was to play for the country. I couldn't, unfortunately. Lekin kahin na kahin entertain karne ka mauka mila, and which is brilliant. मेरी ज़िंदगी में अगर मैं कुछ बना तो वो स्पोर्ट की वजह से ही बना. तो मैं अपने बच्चों को यानी मेरी बेटी 22 साल की है, बेटा 20 साल का है, तो अब एडल्ट हो चुके हैं, और मैंने उन्हें हमेशा वही एनकरेज किया, उसमें एनकरेज किया जहाँ वो कंफर्टेबल थे और करना चाहते थे. आज करियर ऑप्शंस इतने ज़्यादा है कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को वो छूट दे और स्पेशलाइज करने का मौका दे जिस फील्ड में वो चाहते हैं, आई थिंक इट्स फैंटास्टिक. आज इंडिया में देखिए, IPL के आने के बाद हज़ारों बच्चों को एक मौका मिला इसे अपने लाइवलीहुड करने का. कबड्डी देखिए आज, आप टेनिस देखिए या आप फुटबॉल देखिए, आई थिंक इंडिया इज़ इमर्जिंग नाउ एज वन ऑफ द टॉप स्पोर्टिंग डेस्टिनेशंस इन द वर्ल्ड. आई थिंक द नेक्स्ट 5-10 years आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और ऐसी लेवल की अगर फिटनेस हो और ट्रेनिंग हो, आई थिंक इट्स अनबिलीवेबल. और मेरा यही है कि आई थिंक ये कैपोवारा का जो स्पॉट है, आई थिंक ये आर्ट है, जो फॉर्म है, ये हर स्कूल में कंपलसरी करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हैंड आई कोऑर्डिनेशन, म्यूजिक सेंस, बहुत ही कमाल की एक कॉम्बिनेशन है ये, जहाँ आपको आप बीट के और रिदम के हिसाब से चलते हो, और आपके टोटल बैलेंस जो बॉडी की है कोर और म्यूजिक से जुड़ी हुई है. तो आई थिंक इट्स फैंटास्टिक कि यंग एज से अगर आप इन बच्चों में ये डिसिप्लिन डाल दें, आई थिंक इससे आगे कुछ नहीं है. एडवांस है, लेकिन बाबा हम मिलके कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो आई थिंक शायद कभी हुआ नहीं है. तो 21 जून बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है सबके लिए, योग डे है, और उसी दिन पर हम भी कुछ अनाउंस करेंगे. आई थिंक 21 जून के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ. पिछले 6-8 महीने से हम इस पर काम हो रहे हैं, जहाँ स्वच्छ भारत के साथ साथ एक स्वस्थ भारत जरूर होगा. तो आई थिंक लेट्स वेट एंड वॉच. वी आर वेरी एक्साइटेड. बाबा हमसे हमारे साथ जुड़े हुए भी है, और इसलिए खुश हूँ मैं. और इसलिए मैं मानता हूँ कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए वो लोग हैं जो 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 बच्चों की जिंदगियाँ या खास करके भारत में लोगों की जिंदगियाँ बदल सकते हैं. ना ही बड़े शहरों में, लेकिन छोटे शहरों में और छोटे छोटे गांवों तक हम पहुंचना चाहते हैं और वो बदलाव लाना चाहते हैं. देखिए, वो बदलाव आ रहा है, जैसे कि मैंने वही कहा कि जून 21 के बाद वही हम कोशिश कर रहे हैं कि हर वो फॉर्म, हर वो जो आर्ट भारत से या कहीं से भी जुड़ा हुआ है वो आगे बढ़े, और एक एक स्वस्थ भारत की तरफ हम बढ़े. पिछले आई थिंक 1 साल से मैं इस पे काम कर रहा हूँ, और बाबा और बड़े बड़े गुरुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और होपफुली हम जल्द अनाउंस करें. For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.